नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में, जहां बातें होती है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भाग दो। इससे पहले हमने कुछ और महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं को टिक के माध्यम से बड़ी सरलता से याद किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप उसे देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। हमारी जो पहली समांतर रेखा है वह 49वीं समांतर रेखा, जो है यूएसए और कनाडा के बीच में। जी हाँ, इसे हम बहुत ही आसान से ट्रिक से आपको समझाएंगे। यूएसए का हम ले लेंगे यू, कनाडा का हम ले लेंगे सी। ठीक है, यूएसए के यू में हम एक लाइन लगा देंगे, कनाडा के सी में हम एक लाइन लगा देंगे। ये होगी 49, जो 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है। ये एक आसान सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड समांतर रेखा है वो 38वीं समांतर रेखा, जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसे भी हम एक आसान से डायग्राम से समझाएंगे। आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उत्तर लेंस अवतल लेंस का। ये देखने में वैसा ही लगता है डायग्राम, ये देखिए दोस्तों। जी हाँ, यह है 38वीं समांतर रेखा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम इस तरह से एक बार मिला देते हैं, ये बन गया 3, और इसको अगर हम मिलाएं तो ये बन जाता है 8। ये हो गया 38, और इसको अगर और ध्यान से देखें तो ये होता है के कोरिया, के ओ कोरिया। ये नॉर्थ, ये साउथ, जो हो गया 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में। ये आसान सी ट्रिक है जिसे हमने आपको समझाया है। ये बन गया 38वीं समांतर रेखा, जो है कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की समांतर रेखा है। वह है 24वीं अक्षांश रेखा, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हम यहाँ पर भारत के नीचे 24 का 2 लिख देंगे और 4 पाकिस्तान के नीचे लिख देंगे। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये भारत के भय की तरह बनेगा, और इसको 4 को देखेंगे तो पाकिस्तान के पैके जैसा बनेगा। तो हमारी 24वीं अक्षांश रेखा जो होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारी जो अगली रेखा है वह 70वीं समांतर रेखा, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब ये रेखा दोनों संयुक्त हो गई है, मर्ज हो गई है। तो अब ये जो रेखा है वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। इसका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। हमारी जो अगली रेखा है वह हिडनबर्ग रेखा, जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसे हम एक फनी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। बर्गर खाने से पोल के मुंह में जर्म छिप गए। यहाँ पर छिप से हो गया हिडन, यहाँ जर्म से हो गया जर्मनी, पोल से हो गया पोलैंड, बर्गर से हो गया बर्ग। तो हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए अब थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताई थी, दूर तक अफवाह फैली है कि पाक में बम गिरा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो ये रेखा है किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डुरंट रेखा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो रेखा है उसका नाम बताइए, जो है हिडनबर्ग रेखा। इसका हमने आपको ट्रिक बता रखी है। हमारा जो तीसरी रेखा है, कौन सी रेखा इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करती है, तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें है, कौन सी रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को संयुक्त होने से पहले उनके बीच की सीमा को दर्शाती है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 70वीं समांतर रेखा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग our video.